28% की जगह 40% हो सकता है जीएसटी का अधिकतम रेट। भविष्य में जरूरत पड़ने पर दरें बढ़ाने से के लिहाज से जीएसटी काउंसिल ने दिया प्रस्ताव। फिलहाल अधिकतम जीएसटी रेट 28%। जी बिजनेस की खबर का असर, बैंकों के कैश ट्रांजैक्शन चार्ज के खिलाफ व्यापारी हुए लामबंद। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर आर गांधी ने कहा कैश हैंडलिंग चार्ज की होगी समीक्षा। ऊपरी स्तरों से बाजार में बिकवाली, इंट्राडे में निफ्टी पहुंचा 9000 के करीब लेकिन टिका नहीं। सेंसेक्स 145 और निफ्टी 46 अंक गिरकर बंद। रियल्टी बैंक, पावर, ऑयल एंड गैस शेयर सबसे ज्यादा टूटे। काले धन पर चलने वाली अर्थव्यवस्था हुई खत्म। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा, नोटबंदी में कैश की किल्लत के बावजूद जीडीपी 7% रही। नोटबंदी से इकोनॉमी को हुआ फायदा। फिर महंगी होगी चीनी, पिछले साल के मुकाबले 38 लाख टन कम चीनी उत्पादन। महाराष्ट्र में सबसे खराब चीनी उत्पादन। 6 मार्च को इस्मा की बैठक। महंगे स्टैंड पर एनपीपीए का कड़ा रुख। ओवर प्राइसिंग वाले अस्पतालों के नाम अपनी वेबसाइट पर डालें। 9 अस्पतालों को भेजा कारण बताओ नोटिस। रेमंड के शेयरधारकों ने प्रमोटर्स और बोर्ड पर लगाए गंभीर आरोप। प्रमोटर्स को लिखी खुली चिट्ठी, प्रमोटर्स के निजी खर्चों पर उठाए सवाल। लिखा रेमंड, द कंप्लीट डिजास्टर हुआ। एनडीएमसी ने रद्द की होटल ली मेरिडियन की लीज। ली मेरिडियन को होटल करना होगा खाली। होटल पर एनडीएमसी का 600 करोड़ रुपए बकाया। राहुल के नारियल जूस और आलू फैक्ट्री वाले बयान पर पीएम मोदी के तंज से भड़की कांग्रेस, कहा नहीं चलने देंगे पीएम मोदी का झूठ। और यूपी और मणिपुर में थम गया चुनाव प्रचार। 4 मार्च को डाले जाएंगे वोट। यूपी की 49 और मणिपुर की 38 सीटों के लिए वोटिंग।